Hello everyone, good evening and welcome back again to your Vedantu Neat Made Easy channel. I hope all of you are doing great, having a good time. So my dear people, today I have strategy for students who are 2023. Mein ja rahe, ja rahe. So this particular strategy is for everyone, whether you are examination for the first time you are going to write it for the second time. This particular strategy is for everyone. Yes, but this particular strategy is set of students ke liye, to be more precise whose foundation comparatively comparatively care, right? If you think your basics are somewhat clear, right? So then only you guys should follow this particular strategy, which I'm going to tell you over here, right? But please and please follow this honestly because this is not a simple strategy. Nahi hai. This is something which only few people can follow, right? And I would want you guys to be among those few people so that you can shoot up your ranks in the NEET 2023 examination so that you can score really good more than 650 in your NEET 2023 examination right so session start the ones who have just joined in the ones who are new to the channel i'll just quickly introduce myself so my name is vasim but and i'm your chemistry master teacher right here on this with unto neat made easy channel right and the ones Jo ne abhi video like nahi hai, please do like the video share the video with everyone jovi need 2023 prepare kar rahe, do share this particular video with everyone so that everyone gets benefited out of these sessions right and at the same time if you are not subscribed to the channel yet please do subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon as well right perfect guys so let's move on so this is the most common questions which you'll be getting from everyone nowadays like how is your need preparation going आपकी नीट प्रिपरेशन आउट ऑन दिन ऑन ऑफ टेन आई टू फाइव राइट अगर आपको लग रहा है सो माई डियर पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज दिमाग में रख रखना है कि नीट एग्जामिनेशन आपका मिड मे में होने वाला है या मैक्सिमम लास्ट वीक ऑफ मे में होने वाला है करेक्ट सो अब से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके पास एग्जैक्टली exactly आठ महीने बचे हुए हैं राइट इस नीट एग्जामिनेशन को लिखने के लिए बट ये दिमाग में नहीं रखना है कि आपको अपना पूरा सिलेबस आठ महीने में कंप्लीट करना है तो आप अपना टारगेट एक बार फिक्स कर लो आप ये दिमाग में रखो कि आपको एंडिंग मार्च तक अपना पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाना चाहिए राइट तो

ज मॉपटेस आपको आइडिया मिलता है कि आपकी वीकनेसेस कहां पे लाइक करती है राइट right? और एक बार अगर आपको आइडिया मिल गया कि आपकी वीकनेसेस कहां पे लाइक कर रही है सो so दैट उस एक डेढ़ महीने में आप उन वीकनेसेस पे फोकस करो और उन वीकनेसेस को दूर करो जो कॉन्सेप्ट्स में हो सकते हैं जो कैलकुलेशन में हो सकते हैं जो मेमरी uh, पावर में हो सकते हैं राइट right? तो uh, जो आपका लास्ट का एक डेढ़ महीना बचेगा प्लीज एंड प्लीज जस्ट एंड जस्ट डू मॉपटेस इन दोन एंड हाफ मंथ राइट उसमें आप कोई नई चीज नहीं पड़ोगे जो भी पढ़ना होगा आपको वो आप मार्च एंड तक पढ़ोगे फिर उसके बाद सिर्फ एंड सिर्फ वर्कआउट करना है टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट का ख्याल रखना है मॉक टेस्ट देने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है अपना स्कोर देखना है देखना है कहां पे चीजें मिस हो रही है कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लग गया उस क्वेश्चन का कोई नया अप्रोच ढूंढना है राइट सो दैट वही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में सोल्व हो जाए पर्टिकुलरली so बचा होगा स्टार्टिंग सिर्फ uh, उस एक डेड महीने में फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड मॉकटेस सोल्व करते हो सो दैट मीस यूर सोल्विंग अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी थाउजेंड क्वेश्चन राइट और ये ट्वेंटी थाउजेंड क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सोल्व कर रहे हो परफेक्ट जो आप मार्च तक

फॉर एक्साम्पल एक मॉक टेस्ट दोगे पांच पांच घंटे नहीं आपको टाइमर लगा के मॉक टेस्ट देना आपको एक्जैक्टली तीन घंटे यूटिलाइज करने और देखना है कि तीन घंटे में आपने कितने क्वेश्चन किए नंबर नंबर तो, अब ये स्ट्रैटेजी क्या है इसमें क्या क्या चीज आपको करनी है लेट मी टेल यू माय डियर पीपल जैसा मैंने आपको बताया कि मार्च एंड तक आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे राइट तो मार्च एंड तक हमारे पास छह महीने हैं अब इन छह महीने में हम एक बार नहीं हम दो बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे राइट तो बेसिकली मैंने एक ब्लॉक स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने तीन ब्लॉक्स में लेके आया हूं राइट right? तीन ब्लॉक्स एक महीने में आप एक ब्लॉक कवर करोगे दूसरे महीने में दूसरा ब्लॉक कवर करोगे और तीसरे महीने में तीसरा ब्लॉक कवर करोगे और तीन महीनों में आपका पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाना चाहिए राइट right? फिर उसके बाद जो ही ये तीन महीने खत्म होंगे जो बचे हुए तीन महीने आगे वाले Right? राइट उनमें आप फिर से यही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे स्लाइड चेंज करनी होगी आपको वो मैं एक्जैक्टली exactly बताऊंगा कहां पे क्या करना है राइट right? और माय डियर पीपल जो ये ब्लॉक्स में लेके आ रहा हूं मैं एक्जैक्टली exactly अपने फिजिक्स एक्सपर्ट्स केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स एज वेल एज बायोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके ये ब्लॉक्स आपके पास ले आया हूं सो प्लीज एंड प्लीज अगर आपको लगता है कि यू कैन एग्जर्ट यू कैन जस्ट आई मीन यू कैन यू कैन स्टीडी फॉर टेन टू ट्वेल्ल आवर्स डे स्टार्टिंग फ्राम नाउ ऑनवर्स तब जाके ब्लॉग स्ट्रेटी प्लीज एंड प्लीज फोलो करें एंड दिस नॉट समथिंग विच कैन नॉट बी डन यू कैन डू इट राइट पीपल हेव डन इट बहुत सारे स्टूडेंस ऐसे देखे हुए हैं जो इस स्ट्रैटी को भी फॉलो किए हुए और उनका स्कोर एक्सैक्टली सिक्स फिफ्टी से ऊपर रहा है राइट सो इफ दे डिड इट वाई कॉन्ट यू डू इट राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर लेटम एक्सैक्टली शो यू वट आर गोइंग टू बी दीज ब्लॉग्स ब्लॉक नंबर वन स्टिंग फ्रॉ फिजिक्स केमिस्ट्री एन बायोलॉजी राइट एक ब्लॉक इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ फिजिक्स फिजिक्स में फॉर एग्जांपल पहला मैंने लिखा है, है मैंने जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं हर किसी हर किसी यूनिट में बेसिकली आपको एक इजी चैप्टर भी होगा उसके साथ डिफिकल्ट चैप्टर भी होगा सो so दैट आप इजीली उसको बैलेंस कर सको फिजिक्स में दीज आर गोइंग टू बी योर फोर यूनिट्स

सबसे पहला काम करें आप इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के लेक्चर्स देखें लेक्चर्स के साथ साथ आप रनिंग नोट्स बनाएं जो लेक्चर के दौरान आपका टीचर इन क्लास क्वेश्चन करा रहा है राइट वो नोट करते जाए परफेक्ट और उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे राइट पास ट्वेंटी ईयर क्वेश्चन करना है राइट जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है इन दो पर्टिकुलर चैप्टर्स है फॉर एग्जाम्पल वो करना है और इससे अलावा अभी पहले ब्लॉक में आप और कुछ नहीं करोगे एक तो लेक्चर देखना लेक्चर के साथ-साथ नोट्स बनाने प्रॉपर नोट्स बनाने साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग भी साथ-साथ में मारनी है और क्वेश्चंस कहां से करने सिर्फ अभी आप पास्ट 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे इस पहले ब्लॉक में इट्स इट्स वैलिड फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी राइट And once this block gets over, फिर आप आओगे अपने block two पे, block two पे के के मैंने दिए हुए different units के अंदर, राइट रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका पहला यूनिट बनेगा जो आप दूसरे ब्लॉक में फॉलो करोगे सिमिलरली केमिस्ट्री में भी ऐसे मैंने ब्लॉक्स बनाए हुए बायोलॉजी में भी ऐसे ही ब्लॉक्स बने हुए हैं परफेक्ट ये आपका स्केड्यूल रहेगा दूसरे महीने का जो आपको exactly फॉलो करना है राइट right? ठीक है तो बेसिकली ये तो पूरे महीने का स्केड्यूल है अब आप ये आप आप ये तक है इस इस महीने को, इस महीने को को के कैसे ब्रेक करोगे वीकली में और आपको टारगेट वीकली टारगेट फिक्स करने राइट आपको फॉर एग्जांपल एक वीक में आपने लेट्स से रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट करना है एक वीक में राइट ये टारगेट रहना चाहिए एक तो इनके सभी टॉपिक्स कवर करने

थर्ड मंथ आई मस्ट से राइट इसको भी आप फिर डिवाइड करोगे अपने हिसाब से वीकली टारगेट्स में राइट बट ध्यान ये रखना है कि जब आप ये ब्लॉक्स पहले तीन महीने में कवर करोगे सी इट्स नॉट माइडिया टू फॉलो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी ये वही लोग कर सकते हैं जो एग्जैक्टली exactly दस बारह घंटे बैठ सकते हैं दिन में पढ़ सकते हैं right? राइट तो वन इंपॉर्टेंट थिंग वाई एम आई टेलिंग यू कि इस ब्लॉक में इन तीन महीने आप सिर्फ लेक्चर्स

सॉल्व करना है राइट right? तो ये हो गया फोर्थ महीने का सेम स्ट्रेटेजी फिफ्थ महीने का ये आपके ब्लॉक्स रहे फिफ्थ महीने के एंड सिक्स मंथ के ये आपके ब्लॉक्स रहे फॉर द फिजिक्स केमिस्ट्री एज एज वेल बायोलॉजी राइट और जो ही सिक्स कवर हो जाएंगे ट्रस्ट मी पीपल आप में वो कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि अब अगर किसी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है कि आप वो इजिली कर सकते हो राइट right? आपके दिल में वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आई मीन दैट कॉन्फिडेंस वुड हैव वेबलिश इन योर माइंड दैट इफ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनी चैप्टर यू वुड बी बीजिली सॉल्विंग दैट वन राइट और इसके बाद जो ये छह महीने खत्म होंगे इसके बाद जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ उसके बाद सिर्फ मॉकटेस लगाना है राइट और प्लीज एंड प्लीज वेन एवर यू बी फॉलोइंग दिस कैंड ऑफ द स्ट्रैटेजी प्लीज एंड प्लीज डू नॉट डिस्कस एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन राइट लाइक नॉर्मली हम लोग करते हैं क्या फ्रेंड्स है? को कॉल करते हैं शाम को कितना हो गया उसने ज्यादा कर लिया तो डिप्रेस हो गए ऐसा प्लीज एंड प्लीज ये छोड़ दे इन महीने सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे अपने गोल पे फोकस करें कि आपको नीट क्वालिफाई करना है 2023 में दैट टू विद वेरी वेरी हाई स्कोर राइट बिकॉज आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है एज कंपेयर टू इफ यू सी द तीन साल पहले कॉम्पिटिशन क्या था और अब क्या था नीट में कॉम्पिटिशन इट एज एब इंक्रीज माई डी पीपल राइट सो आई वुड वॉन्ट यू गाइस to to focus on this this particular particular strategy strategy and if you are following this particular strategy, definitely you are are following definitely going to shoot up your your ranks in your 2023 examination with a very 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 high score right फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर मैं एंड कर रहा पर्टिकल जो लास्ट का डेढ़ महीना होगा उसमें सिर्फ एंड सिर्फ मॉकटेस्ट करना है आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है परफेक्ट और आपको पूरा आपने जो ये स्कड्यूल देख लिया छह महीने का राइट right? छह महीने को पहले ब्रेक करना है तीन महीने में तीन महीने तीन, 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 तीन महीने को ब्रेक करना है One -one में राइट एक महीने में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं जो मैं आपको दिखाए हुए हैं राइट उस एक महीने के टारगेट को फर्दर डिवाइड करना आप अपने हिसाब से करोगे वीकली टारगेट्स में परफेक्ट और कवर करोगे ये सारा पोर्शन और इसके साथ आपका सिलेबस एक बार नहीं दो बार कंप्लीट हो जाएगा इन द अपकमिंग सिक्स मंथ्स ऑनली तो मार्च तक आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है राइट और जो पहले तीन महीने रहेंगे जिनमें आप लेक्चर्स देखोगे नोट्स बनाओगे एनसीआर साथ में रिवाइज करनी है जब भी लेक्चर देख लिया ले किसी टॉपिक के रिलेटेड साथ में एनसीआर रीडिंग मारनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने है तो पहले तीन महीने में सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे कोई बुक ज्यादा आप सोल्व नहीं करोगे सिर्फ प्रीवियस ईर करना है जो नेक्स्ट थ्री मंथस होंगे उनमें प्रीवियस क्वेश्चन अब नहीं करने की जरूरत है अब आप सिर्फ कोचिंग का या जहां भी पढ़ रहे हो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो वहां का मॉड्यूल सॉल्व करना है ठीक है हर किसी चैप्टर पर स्टार्टिंग टू एंड राइट सो आई एम डैम श्योर काइंड ऑफ गोइंग टू रियली स्कोर योर मार्क्स मोर देन सिक्स राइट सो आई एम विशिंग यू द लक टेक एनी सॉफ क्वेरीज रिलेटेड अबाउट दिस पर्टिक्युलर स्ट्रेटीज य doubts in the comment section of this particular video right i'll be personally letting you know how to tackle with those sort of problems with those sort of queries perfect so with this my dear people i'll be taking leave it was nice meeting you see you in the next session take care god bless you all and love you all bye